ट्वेल्थ तक पता नहीं था, यही नहीं पता था कि कौन से एग्जाम होते हैं लॉ करने के लिए, कौन कौन से कॉलेज हैं। एक रफ सा आइडिया था बट पूरी तरह से नहीं समझ में आया था कि क्या हो रहा है। दिस वीडियो इज़ अ वेरी कैजुअल वीडियो, यू कैन टेक इट एज स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम इसलिए बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन हाउ आई डिसाइडेड टू डू लॉ, हाउ आई डिसाइडेड टू बिकम एन एडवोकेट। तो यहाँ पर मैं उतना बताती हूँ आपको जितने आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैंने क्यों ये डिसाइड कर लिया अपनी लाइफ में कि मुझे लॉ ही करनी है और मुझे क्या ऐसा दिखा, मेरी स्टोरी क्या है। हाई गाइज, दिस इज़ एडवोकेट ईशा कपूर एंड यू आर वॉचिंग वी लॉगिश। शुरू से शुरू करते हैं। I was a kid. As a kid, I was a violent kid. That is what I have got to know. I mean, I was sweet, but I was violent too. Like, I used to hit people. I used to be get really angry. अब मैं थोड़ा ऐसे नहीं हूँ। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मुझे लोगों को मारने पीटने का मन करता है, but I don't do that anymore because once you grow up, you have to be within your specific limits. और ऐसा है भी नहीं। खैर, वो सब मैंने स्टोरीज सुनी है लोगों से कि ज़िद्दी होना और बहुत सारे लॉजिक्स डिमांड करना, ये सब मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि मेरे में ऐसा एटीट्यूड और ऐसी कुछ क्वालिटीज़ बोलूँ या कैरेक्टरिस्टिक बोल लेते, मेरे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे। बट सिंस द वेरी बिगिनिंग, सिंस आई रिमेंबर, मेरे को हमेशा से पढ़ना, रीड करना, कुछ नया जानना, ये सब बहुत अच्छा लगता था और मुझे कभी भी ना पढ़ाई पनिशमेंट नहीं लगती थी, इतना मुझे अच्छे से याद है। When I was a toddler, my parents were involved in a few court cases. Unfortunately, कुछ चीज़ें हो गई, जैसे कि आप बोलते हो ना, कुछ accidents हो जाते हैं या फिर कुछ family issues हो जाते हैं, ऐसे करके उन court cases में मेरी family भी involved हो गई। अब तो मैं तो बहुत छोटी थी, जब भी घर में court cases होते हैं तब, अभी तो मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता है कि मैं रोज़ कोर्ट जाती हूँ, आती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील और लोग भी आते हैं, बट मैं उनकी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से देखा था वेन एवर माई मदर, फादर, एनीबडी एल्स फ्रॉम द फैमिली, स्पेशली माई फादर, वो जाते थे सबसे ज़्यादा। वेन एवर यूज़ टू गो टू द कोर्ट फॉर कोर्ट डेट, स्पेसिफिकली वो दिन बहुत ज़्यादा अहम होता था, जैसे कि याद रखा जाता था कि कोर्ट की डेट कब है, पता नहीं अगली डेट पे क्या होगा, क्योंकि और कितना खर्चा होगा कि बहुत सारे पैसे भी देने हैं। और जब भी वो वापस आते थे तो स्पेसिफिकली ये चीज़ें उनकी तरफ से हाईलाइट की जाती थी कि कैसा कोर्ट में बिहेवियर हुआ, बिहेवियर फ्रॉम द साइड ऑफ हिज ओन लॉयर, फ्रॉम द साइड ऑफ द अदर साइड्स एडवोकेट एंड फ्रॉम द जज एज वेल एंड स्पेशली फ्रॉम द कोर्ट स्टाफ ऑल्सो। तो जैसे जैसे वो बताया जाता था ना, वो इंसिडेंट्स उनके, अभी अगर मैं ये सब बोलूँगी तो कहीं आप लोग फिर से ये ना बोलने लगो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आपने इतनी सारी बातें बोल दी, बट ट्रूथ इज़ ट्रूथ। ये चीज़ें जो मैंने सुनी उस टाइम पे, उन्होंने मेरे माइंड को इस तरह से मोल्ड किया कि यू हैव टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन एंड यू हैव टू डू समथिंग, डू योर बिट फॉर द सोसाइटी। शायद आपको सुन के लगता होगा कि जब मैं इतना ज़्यादा सोशल इंजीनियर सोसाइटी और ये सब की बातें करती हूँ तो ये बातें बहुत फेक होती हैं या फिर ये सिर्फ कहने के लिए होती है, बट जब आपने छोटे से कोई चीज़ देखी होती है ना और एक प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ किया होता है तो आपके लिए वो चीज़ें सिर्फ कहने के लिए नहीं होती हैं। मैंने लॉ प्रोफेशन को इसलिए चूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत ग्लैमरस लग रहा था या मुझे लग रहा था लॉ फर्म्स में बड़ी बड़ी बहुत सारी जॉब्स हैं या फिर आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू स्टैंड गुड इन लाइफ, आई वॉन्ट टू अर्न एज वेल, आई वॉन्ट टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ एज वेल, बट ये एक मेजर रीज़न था जो मेरी फाउंडेशन थी। अब जब वो आते थे, मैंने जैसे आपको बताया कोर्ट केसेस से घर पे, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा बहुत कंसिस्टेंट होती थी, जैसे कि रूड बिहेवियर बाय द कोर्ट स्टाफ, एडिशनली बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च होना और कोई इफ़ेक्टिव काम ना होना, और कई बार ये भी लगना कि जिसको मैंने भी हायर किया है सर्विसेज के लिए उस तरफ से भी मुझे इफ़ेक्टिव काम नहीं मिल रहा, इनफैक्ट एक ऐसा बिहेवियर मिल रहा है जो एक क्लाइंट और एक लॉयर की रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए कभी भी बीच में। वो चीज़ें मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती थी क्योंकि जब आप वो चीज़ें अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स से सुनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वो आपके दिमाग पे एक तरह से छप जाती हैं। फिर मैंने वहाँ से कोर्ट में प्रेवलेंट और कोर्ट इश्यूज़ में प्रेवलेंट वाइड स्प्रेड करप्शन के बारे में भी उनसे बहुत सुना, इन चीज़ों से मैं अफेक्ट हुई। ठीक है, वी आर ग्रोइंग, वी आर टू सिबलिंग्स, मैं, मी एंड माई ब्रदर, एज वी आर ग्रोइंग वी लिसन टू ऑल दीज एंड ये करके मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो थाट था ना मेरे माइंड में एक लॉयर बनने का, ये मेरा खुद का नहीं है, दिस इज़ नॉट माई ओन, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं थी, ये मेरे दिमाग में डाला मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, उन्होंने बोला कि ये आपको किसी ऐसी फील्ड में जाना है, हमें कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा बनना है जिससे कि हम आगे ऐसा होने से रोकने में एटलीस्ट अपना कुछ
कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। अभी बहुत फिल्मी लग रहा होगा बट जब ये चीज़ें किसी के साथ हो रही होती हैं उस टाइम पे बिल्कुल भी फिल्मी नहीं लगता। आज भी जब मैं अपने केसेस में या फिर कोई किसी के साथ भी हम काम करते हैं, कोई क्लाइंट्स होते हैं, तो मुझे ये चीज़ें याद आती हैं और यही चीज़ें हैं जो आपको अपने प्रोफेशन में बेटर बनाती हैं, बेटर ह्यूमन बींग बनाती हैं अपार्ट फ्रॉम द वर्क दैट यू आर डूइंग प्रोफेशनली। प्रोफेशन में भी अगर पर्सनल टच ना हो तो वो चीज़ें भी कई बार बहुत ख़राब हो जाती हैं, ये मुझे यहीं से पता चला। अब हम ग्रो कर रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें जब आपको बार बार कही जाती हैं तो वो आपका एक तरह से एम, ड्रीम, गोल ऐसा कुछ बन जाती है। और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगी, मुझे बहुत अट्रैक्टिव भी लगा बचपन से ये प्रोफेशन। लेकिन ना बचपन से क्या होता था, जैसे एक माइंड सेट रहता है ना सोसाइटी का कि नहीं लॉयर नहीं, लिटिगेटिंग लॉयर नहीं, आप ना जज बनना, कि वहाँ ज़्यादा अथॉरिटी है, वहाँ पर ज़्यादा पावर है, वो एक गवर्नमेंट जॉब है, वो एक सिक्योर जॉब है। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें भी चल रही थी क्योंकि वो सोसाइटी की तरफ से आ रही थी, वो इनफ्लो करी जा रही थी माइंड में। तो हम लोग गेम्स खेलते थे, मैंने एक इंटरव्यू में भी बताया था जो किसी हमने इंस्टाग्राम पेज के साथ दिया था, कि हम लोग गेम्स खेलते थे वहाँ पे। मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि हम ना कोट कोट करके गेम खेल रहे हैं, मैं ऐसे जज सब बन के बैठ जाती थी। वो दिखाते थे ना पहले वो जज के लंबे लंबे वाइट बाल और वो हमने गाउन पहन लिया, ये सब चीज़ें करके कुछ घर की चीज़ों से बना के बैठ जाते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये सब करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पता है बचपन में जब हम लोग छोटे थे, वी आर 90s किड्स, उस टाइम हम लोग हैरी पॉटर जैसी ऐसी मूवीज़ और डिज्नी मूवीज़, प्रिंसेस मूवीज़, ये सब देखा करते थे, कार्टून नेटवर्क देखा करते थे, बाद में जब बड़े हो गए तो शिनचैन देखा करते थे। उस सब के अलावा एक ये प्रेवलेंट गेम हो गया था कोट कोट, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था खेलना खुद में ही, या सोचना इस बारे में। डे ड्रीमर हूँ मैं हमेशा से ही और मैं वहाँ पर भी डे ड्रीम ही करती थी। इसके बाद अब जैसे जैसे बड़े हो गए, बात आई आई केम इनटू 10th स्टैंडर्ड। आप में से बहुत सारे लोग हो गए जो 10th स्टैंडर्ड में है। इससे पहले कि मैं स्टोरी को आगे सुनाऊं, मुझे सिर्फ एक बात बतानी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर कंफ्यूज्ड हो कि क्लैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूं या नहीं करूं, और क्लैट के साथ साथ और कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसको एडवर्टाइजमेंट की तरह ना लेके इसको प्लीज़ आप एक सजेशन की तरह लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक सजेशन देना चाहती हूँ। मैंने एक गलती की थी, मैंने क्लैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर 11th या 12th से नहीं किया था क्योंकि मुझे इतना सारा पता भी नहीं था और गाइडेंस के लिए कोई भी नहीं था दूर दूर तक। और भी मैं आपको बताऊंगी और भी क्या रीजंस रहे। आप लोग एटलीस्ट, क्योंकि अब फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो एटलीस्ट जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे आपको एक लिंक मिलेगा टॉप पे ही, वहाँ पर जाके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो क्लैट एग्ज़ाम के लिए। मॉक टेस्ट देने से पहली चीज़ तो ये आपको ये पता लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सेकेंडली आपको ये पता लग जाता है कि अगर आप चाहे आज आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, बट यू विल गेट टू नो वेयर यू विल यू स्टैंड इन इंडिया राइट नाउ, आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद जब आप वो पेपर दे दोगे ना, उसमें काफ़ी पार्ट इंग्लिश, जीके, ये सब भी है जो चीज़ें बहुत जनरल होती हैं। फिर उसमें क्वांटिटेटिव भी है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स, जो चीज़ें हमें आती होती हैं बहुत बार, तो आप उसे करके देखोगे आपको पता लग जाएगा कि आप इनमें से लैक कहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि वो एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें आपको एंड में कंप्लीट करने के बाद AI बेस्ड एनालिसिस भी मिल जाता है, जिससे आपको सारे आंसर्स मिलते हैं, अपने सारे डाउट्स सॉल्व होते हैं कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, मुझे कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो पूरा लिंक ऑलिव बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसने आपके लिए क्लैट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए फ्री मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, प्लीज़ उसे जाके ट्राई करो। आपको साइन अप करने के बाद वहाँ पे 40 क्लैट मॉक टेस्ट, 100 टॉपिक टेस्ट, मतलब अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे भी टेस्ट देने वो भी मिल जाएंगे, फिर सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे कि क्लैट में अगर आपको सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड पे टेस्ट देना है या सिर्फ जीके पे टेस्ट देना है वो भी मिल जाएगा, और साथ में फ्री ई मटेरियल और ई बुक्स भी मिल जाएंगी। तो वो जाके प्लीज़ एक्सेस करो। ये गलती मत करना कि आप अभी जान ही नहीं रहे हो कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, जो भी लिंक दिया है वहाँ से आपको फ्री मॉक टेस्ट देने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं 10th में आ गई थी। अब 10th में आने के बाद दिल्ली स्टूडेंट्स, हमको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है 11th 12th के लिए, स्ट्रीम चूज़ करनी होती है इनफैक्ट। तो मेरे स्कूल में, आई एम फ्रॉम सेंट जेवियर्स दिल्ली, मेरे स्कूल में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम नहीं थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टेक अप ह्यूमैनिटीज, जिसको आर्ट्स भी कहते हैं, जिसमें सारे SST टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं अगर 10th वाले बच्चे जानना चाहते हैं तो। नाउ बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक अप ह्यूमैनिटीज़, और मेरे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ थी नहीं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे पास था कॉमर्स विद मैथ्स विदाउट मैथ्स, देन साइंस विद बायोलॉजी, एंड देन और एल्स PCM। तो मैंने, मुझे मैथ कभी भी पसंद नहीं थी,
और मुझे ऐसा नंबर्स नंबर गेम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो सूखे सूखे से ड्राई सब्जेक्ट्स, आई डोंट लाइक देम एट ऑल. तो बट मुझे बायोलॉजी पसंद थी. बट फिर मैं अगर बायोलॉजी लेती तो मुझे पता लगा कि मुझे फिर PCM के साथ में एक एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा और मुझे डॉक्टर बनना नहीं है, ये भी मुझे पता था. ठीक है, मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो टेंथ तक जितनी बायोलॉजी पढ़ ली वो कहीं ना कहीं तो काम आएगी, और बहुत अच्छी भी लगती थी मुझे टेंथ तक. तो उसके बाद मैंने लिया PCM, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ. उस टाइम पे ये भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि क्या हम स्कूल चेंज करें ये लेने के लिए, बट वी डिसाइडेड टू नॉट गो टुवर्ड्स दैट ऑप्शन बिकॉज स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे वहीं पे रहना था. ले लिया PCM, जैसे कैसे कट गया, मार्क्स अच्छे आ गए ट्वेल्थ में. देखे इलेवेंथ भी निकल गए, इलेवेंथ थोड़ी टफ क्लास थी क्योंकि फिज़िक्स और ये सब, फिज़िक्स भी मुझे वहीं तक अच्छी लगती थी जहाँ तक उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे. हाँ, केमिस्ट्री मुझे पसंद थी, अच्छी लगती थी. कंप्यूटर साइंस मुझे बहुत पसंद थी, अच्छी लगती थी. C++, SQL, MySQL जितना पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा ट्वेल्थ तक, और अभी भी अगर मैं उसे रिवाइज करूँ तो मुझे आ जाएगा, ऑल थैंक्स टू द टीचर दैट टॉट मी. उसके बाद में ट्वेल्थ में आ गए. ट्वेल्थ तक पता नहीं था, यही नहीं पता था कि कौन से एग्ज़ाम होते हैं लॉ करने के लिए, कौन कौन से कॉलेज हैं. एक रफ सा आइडिया था बट पूरी तरह से नहीं समझ में आया था कि क्या हो रहा है. ट्वेल्थ के एग्ज़ाम भी हो गए. सेंटर, ट्वेल्थ एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता है बोर्ड एग्ज़ाम्स का, वो मेरा पड़ा था GHPS राणा प्रताप बाग इन दिल्ली, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल. वहाँ पर जिस दिन मेरा लास्ट या पता नहीं सेकेंड लास्ट पेपर था, लास्ट और सेकेंड लास्ट आई रिमेंबर, लास्ट एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस का था और सेकेंड लास्ट मैथ का था. इन दोनों एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम में वो पैम्फलेट्स बांटने आते हैं ना, पर्चे बटते हैं हमेशा ये स्कूल के बाहर जहाँ सेंटर्स पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो GTB नगर, मुखर्जी नगर के आसपास का एरिया है सारा, तो वहाँ पर्चे बट रहे थे उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के. उनमें से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने देखा, अच्छा ये कैसा इंस्टीट्यूट है, नया नया खुला था, रैपिड करियर अकेडमी. वो आया मेरे हाथ में, मम्मी पापा हम ना कार में बैठे थे एग्ज़ाम के स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे शायद, हम थोड़ी देर के लिए कार में बैठे थे, और वहाँ पे मैंने बोला कि अब मुझे ना इसमें देख लेना चाहिए प्लीज़. मैंने बोला कि चलो देखते हैं, अच्छा ठीक है. मैंने ना आज तक कोई भी ट्यूशन नहीं ली थी, कभी कोई कोचिंग नहीं ली थी, कभी कोई क्लासेस नहीं ली थी आज तक, फ्रॉम नर्सरी टिल ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, मतलब तब तक अभी तक भी नहीं ली थी. पर उस टाइम तो थोड़ी हेजिटेंस हो रही थी कि क्या मुझे लेना चाहिए, यहाँ पे मुझे सेल्फ स्टडी का अटैम्प्ट करना चाहिए. बट तब तक ना बात इतनी लेट हो चुकी थी कि टोटल एग्ज़ाम में ही 20-25 दिन बचे थे, और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, कॉलेजेस कौन कौन से हैं. उस गाइडेंस के लिए मुझे वहाँ घुसना बहुत ज़रूरी था. तो मैं खींच खींच के फटाफट मम्मी को पापा को ले गई एक ही इंस्टीट्यूट में. हमने एक ही इंस्टीट्यूट देखा, 7,000 रुपीज़ लगे थे अराउंड जहाँ तक मुझे याद है, और उसमें कुछ इफ़ेक्टिव 10 क्लासेस थी, उतने में प्रिपेयर किया. और एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट बताती हूँ मैं आप लोगों को, इतना क्लैट 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 के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहती हूँ, और मैंने खुद ने कभी क्लैट एग्ज़ाम नहीं दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था. फर्स्ट टाइम मैंने IPU CET दिया था एंड NLU दिल्ली का एग्ज़ाम दिया था. NLU दिल्ली में 3-4 मार्क्स से मेरा रह गया था उस टाइम पे, तो वो नहीं हो पाया मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में. सेकेंड मुझे इतना ज़्यादा वो था ना कॉलेज में जाने का कि बस मैं जल्दी से जाऊँ, जल्दी से पढ़ना शुरू करूँ, कि मुझे सेकेंड अटैम्प्ट के लिए वेट नहीं करना था. फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, IPU CET में अच्छी रैंक आ गई. क्लैट एग्ज़ाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि घर पे हम लोग देखो कैसा डिस्कशन कर रहे थे, हाउ इमेच्योर, कि अभी ना दिल्ली से बाहर नहीं जाना है, मुझे दिल्ली में ही रहना है, इसी स्टेट में रह के पढ़ना है. और वैसे कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो वो एक अच्छा डिसीजन भी था कि यहाँ पर आपको कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, हाई कोर्ट यहाँ है, आपको इंटर्नशिप्स करने के लिए अच्छी मिल जाएगी, NHRC यहाँ पे है, NCLT यहाँ पे है, मतलब प्रिंसिपल बेंच यहाँ पे सेटअप है बहुत सारी चीज़ों के, तो आप यहीं पे रह लो. और अब मुझे लगता है कि वो डिसीजन अच्छा था. कोई बात नहीं, नहीं दिया क्लैट तो कोई बात नहीं. IPU CET मैंने एग्ज़ाम दिया तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी इतनी रैंक आ गई कि मेरा टॉप 2-3 कॉलेजेस में हो जाता. फर्स्ट लिस्ट में जो मैंने IPU CET का एग्ज़ाम भरा था और मैंने अपना कॉलेज वाले चूज़ किए थे उसमें, मेरे को फर्स्ट लिस्ट में विप्स, विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो मिल गया कॉलेज. कॉलेज देखने गए हम, हमने बोला डन करो, ओके हम यहीं पढ़ेंगे, इधर ही होगा. फर्स्ट लिस्ट में हमने करके शांति से हम बैठ गए. मुझे पर्सनली बहुत संतुष्टि हुई थी क्योंकि मुझे उस टाइम पे बस 12th स्टैंडर्ड में एक ही चीज़ का डर लग रहा था. मैंने उस टाइम पे ना ये BTEC एग्ज़ाम्स भी दिए थे, JEE मेंस, मतलब क्योंकि घर वाले ऐसे बोल देते हैं कि तुम दे लो JEE मेंस भी, ये सब पढ़ा है आपने तो कुछ तो दे लो. फिर रिलेटिव्स भी एडवाइस कर देते हैं, अरे अभी लग रहा है लॉ करनी है, बाद में इसमें कोई स्कोप नहीं है, 5-10 हज़ार की नौकरी नहीं मिलती कहीं पे, धक्के खाते हैं इधर उधर लोग. लिटरली कोई भी आके ना ये बात बोल जाता था उस टाइम पे, और ये बात से थोड़ा डर भी लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा. मैं कहा चलो कोई
बात नहीं, एक बार फील्ड में घुसूँ तो सही, फिर उसके बाद देखते हैं ना क्या करना है, एडवोकेट बनना है, जज बनना है, देख लेंगे बाद में। उस टाइम तक तो सबके दिमाग में यही चल रहा था कि नहीं यार जजशिप ही करनी है और ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, PCSJ का यही सब करना होगा लॉ के बाद। तब तक ये चल रहा था फैमिली के माइंड में, मेरे माइंड में बस ये था कि मुझे यहाँ एंटर करना है सबसे पहले, फिर देख लेंगे। अब जो JEE मेंस वगैरह का एग्ज़ाम दिया था मैंने, BR का भी एग्ज़ाम दिया था, वो तो मैं ऐसे यूं ही दे के आ गई थी हवा में, बट मुझे उस दिन इतनी ज़्यादा खुशी और इतनी ज़्यादा पीस मिला था ना अंदर से, जब मुझे अपना IPU CET का रिज़ल्ट पता लगा था और मुझे पता लगा था कि यहाँ से इन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। आई वॉज सो रिलीव्ड कि मुझे एटलीस्ट मेरे को वहाँ जाने का रास्ता मिल गया जहाँ मैंने जाना था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, फैमिली में कोई दूर दूर तक नहीं, आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड इन माई फैमिली, कोई ऐसे कजन्स नहीं जो ऐसे रिलेटेड हों, और कोई भी नहीं था आसपास इतना गाइड करने के लिए, बल्कि सब लोग इसके अगेंस्ट ही थे, सब लोग खिलाफ ही थे, अच्छे खासे बोल रहे थे आपके मार्क्स भी आए हैं, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं और एडमिशन, व्हाई आर यू गोइंग इनटू लॉ, व्हाई आर यू नॉट सीरियस फॉर इंजीनियरिंग एंड फॉर अदर थिंग्स। बट इंजीनियरिंग मेरे को अपने माइंड में पता था कि इंजीनियरिंग नहीं भाई, नहीं मेरे को माफ़ करो, आई डोंट वॉन्ट टू गो इनटू दिस, आई रियली वॉन्ट टू स्टडी लॉ। एट दैट पॉइंट आई जस्ट न्यू दैट आई वॉन्ट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, बिकॉज आई फेल्ट दिस इज़ एम्पावरिंग, दिस हैज़ सब्जेक्ट्स जो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के, यहाँ पर सोशल चीज़ें हैं, यहाँ पर लॉ है, यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं, अगर आपको पता चलेगी तो आप में कितनी ज़्यादा पावर आ जाएगी, बाद में देखेंगे करियर कैसे बनता है इसमें, लेकिन फ़िलहाल यहाँ घुसते हैं। मैं घुस गई थी वहाँ पर और नाउ आई एम हियर टुडे वेरी हैप्पी। कॉलेज में मैंने वही अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना मुझे बहुत पसंद था, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी, ड्रामेटिक्स मुझे हमेशा से बहुत पसंद थे, मोनोलॉग्स करना मुझे बहुत पसंद था, तो बस वही छोटी 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 चीज़ें करते करते कॉलेज टाइम भी निकल गया। कॉलेज में डिबेटिंग एलोक्यूशन ये भी पसंद था, तो ये सब चीज़ें करते करते कॉलेज भी निकल गया एंड आई एम हियर टुडे, आई एम एन एडवोकेट टुडे, रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई चोज दिस फील्ड। And I wish you also all the best if you want to choose this field. बस इतनी सिंपल सी स्टोरी थी, ऐसा कुछ तो था नहीं, पर्सनल इवेंट से इंस्पायर्ड स्टोरी थी, क्रेडिट भी इसका और लोगों को ही जाता है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो और आप मुझे जानते हो, अगर मुझे दो चार लोग भी पहचानते हैं दुनिया में, उसका क्रेडिट भी आप लोगों को ही जाता है, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा लगता है ये सब करके। आप भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, क्लैट के लिए या किसी और लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए, प्लीज़ आओ, प्रोफेशन बहुत अच्छा है। हाँ यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर रेगुलेटेड नहीं है। एक जो वो थॉट है ना कि लॉयर तो कोई भी बन जाता है और कैसे भी हो जाता है, ये ना बिल्कुल गलत है। ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना कि लॉ डिग्री बहुत ईजी है। हाँ ये है, लॉ डिग्री को लेना इंडिया में बहुत ईजी है क्योंकि रेगुलेटेड अच्छे से नहीं है प्रोफेशन, बट लोग वहाँ डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं कि कौन एक क्वालिटी लॉयर है और कौन सिर्फ डिग्री लेके यहाँ पर है, या फिर किसने बहुत इजीली प्रोफेशन में बिना कुछ मेहनत के एंटर कर लिया है, वो चीज़ें होनी रह जाती हैं। और आजकल तो चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, बहुत डिफरेंट हो रहा है हर टाइम से, हर साल कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। शायद AIB एग्ज़ाम को भी और टफन और स्ट्रेंथन किया जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस एस्पेक्ट, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत मज़ा आता है, आई होप आपको भी आएगा। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।